सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है घर्षण से लाभ, फ्रिक्शन से जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उससे हानियां कम करने के उपाय और उसे बढ़ाने के उपाय हम पढ़ेंगे। बच्चों, घर्षण से जीवन में बहुत सारे लाभ भी है और उससे हानियाँ भी होती है, तो आज हम दोनों चीज़ें देखेंगे। घर्षण हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है, क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ होते हैं और इससे कुछ हानियां होती है। इसको हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं घर्षण को, और घर्षण को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा कि घर्षण के कारण ही हम जमीन पर या किसी स्थान पर चल पाते हैं। मान लो यदि घर्षण नहीं होता है तो हम क्या चल पाते क्या? नहीं, संभव ही नहीं। क्योंकि घर्षण के कारण ही, घर्षण ही एक ऐसा बल है जो अपने को क्या करता है, जमीन पर चलने के लिए सहायता करता है। और यदि घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। तो घर्षण जो होता है हमारे चलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा हमने देखा घर्षण के कारण दो वस्तु आपस में चिपक पाती। मैंने इस पेन से एक बोर्ड के ऊपर लिखा, तो ये लिखा जो है ये किसके कारण से लिख पा रहे हैं? घर्षण के कारण से। पेन और बोर्ड के बीच में घर्षण बल लगता है। यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो क्या होगी, ये पेन क्या होगी, फिसल जाएगी और उस पर कोई पेन या वो चिपक नहीं पाएगी। तीसरा हमने देखा घर्षण के कारण हम ब्रेक लगाते हैं। मान लो यदि घर्षण नहीं होता है तो हम गाड़ी में यदि ब्रेक लगाते तो फिसल के चले जाते, रुकते नहीं। तो घर्षण के कारण हम किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते गाड़ी को क्या कर सकते हैं, रोक पाते हैं। घर्षण के बिना लिखना संभव नहीं, जैसे कॉपी पेन से हम लिखते हैं कॉपी में, तो यदि फ्रैक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, पेन फिसल जाएगी और उसके बिना हम लिख नहीं पाएंगे। किसी मशीन के एक भाग से अन्य भाग तक वेल के द्वारा गति घर्षण के कारण संभव होता है। मान लो कोई मशीन का एक भाग है और उसके ऊपर दूसरा भाग बेल्ट लगा हुआ है, तो बेल्ट के कारण से ऊपर वाला भाग चढ़ता है। जैसे मान लो कोई हम किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए क्रेन का उपयोग करते हैं या अन्य किसी चीज़ को उठाने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, तो उसमें घर्षण बल यदि नहीं लगेगा तो वस्तु क्या होगी, ऊपर नहीं उठ पाएगी, फिसल के वापस नीचे आ जाएगी। उसकी जो क्रेन है या जो बेल्ट है वो क्या होगी, फिसल के वापस आ जाएगी। तो मशीनों के द्वारा जब वस्तु को ऊपर उठाया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो उसमें घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है। यदि मान लो कोई दो वस्तु रगड़ेंगे, जैसे माचिस से तेलों को हमने रगड़ते तो फ्रैक्शन होता है, यदि फ्रैक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, चिपकी सतह होगी तो वो आग उत्पन्न नहीं होगी। घर्षण के कारण ही हम भोजन चपा पाते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा तो क्या होगी, भोजन जैसे मुंह में डाला फिसल के अंदर चले जाएगा। तो घर्षण के कारण हम भोजन को चबा पाते हैं। घर्षण के कारण हम रस्सी बना पाते हैं। जो रस्सियाँ बनती है उसमें ऐठन जो लगाते हैं अपन, वो घर्षण के कारण ही होता है। यदि घर्षण नहीं होगा तो रस्सी भी नहीं बन पाएगी। घर्षण के कारण ही हम चीज़ों की सफाई कर पाते हैं। मान लो इसमें घर्षण नहीं है तो क्या होगी, फिसल जाएगी, ये साफ ही नहीं होगी। तो कोई चीज़ पर यदि मान लो धूल मिट्टी जमी हुई है और उसको यदि अपन साफ कर रहे हैं तो क्या होगी, वो आसानी से साफ हो जाएगी यदि घर्षण होगा तो, नहीं तो साफ नहीं होगी। तो घर्षण के कारण हम पेड़ पर ऊपर चढ़ पाते हैं। घर्षण नहीं होगा तो पेड़ पर भी चढ़ना संभव नहीं होगा। घर्षण के कारण हम मान लो कुएं में से पानी निकालना बाल्टी की सहायता से, रस्सी बांध के क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, तो यदि मान लो घर्षण नहीं होगा तो रस्सी खिंचाएगी, स्लिप होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, घर्षण जो होता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। घर्षण के कारण ही क्या होता है, हम चल पाते, ब्रेक लगा पाते, घर्षण के कारण हम खाना खा पाते, आग उत्पन्न होती है, रस्सी बना सकते हैं हम घर्षण के कारण से, किसी वस्तु को अपन क्रेन की सहायता से किसी वस्तु को हम भारी वस्तु को ऊपर चढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं। इसी प्रकार से घर्षण से कुछ हानियाँ भी होती है, लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ होती है। लाभ तो घर्षण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ में कुछ हानियाँ भी होती है, वो हानियाँ हम देखेंगे। घर्षण के कारण से मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो घिस जाते हैं, बार बार रगड़ाते रहते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उस रगड़ के कारण से, फ्रिक्शन के कारण से उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। दूसरा हमने लिखा गतिशील वस्तु की काफ़ी ऊर्जा, उसमें ऊर्जा कभी नष्ट हो जाती है। जैसे मान लो कोई वस्तु चल रही है, ब्रेक मारा,
तो क्या होगी, अधिकांश ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी उसकी, गर्म हो जाएगा। जैसे टायर हम बार बार जब घर्षण होता है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है फ्रिक्शन के कारण से। तो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उसकी गति ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट या क्षय हो जाती है। अत्यधिक घर्षण के कारण से कभी कभी क्या होता है, मशीनों के टूटपुरी हो जाती है, ज्यादा रगड़ के कारण से टूट भी जाती मशीनें, और मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, इफिशियंसी कम हो जाती है। इफिशियंसी मतलब जितना एवरेज देना चाहिए कोई चीज उतना एवरेज नहीं दे पाती है, उसकी दक्षता एफिशिएंसी उसकी दक्षता कम हो जाती है। और घर्षण के कारण मशीनों में चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जैसे मैंने बोला टायर या कुछ भी चीजें होती है जो बार बार अगड़ाती है, उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेशित हो जाती है वो, जिसके कारण से दुर्घटना कभी कभी संभव हो जाती है। टायर फट गया मान लो घर, तो क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है गर्म होने के कारण से, घर्षण के कारण से। तो ऐसी बहुत सारी दुर्घटना भी घर्षण के कारण से हो जाती है। तो घर्षण से हानियां भी होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसका लाभ है, लाभ भी जरूरी, घर्षण होना भी हमारे लिए जरूरी है। और उससे कुछ हानि हमने देखा कि कलपुर्जे गिर जाएंगे, उसमें के रूप में ऊर्जा हानि हो जाएगी, मशीन टूट फूट हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी दक्षता कम हो जाएगी, और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा चार्ज होने के कारण से दुर्घटना भी हो जाती है। फिर घर्षण कम करने के उपाय, यदि ज्यादा घर्षण हो जाता है तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो पहला हम पॉलिश के द्वारा, मान लो किसी सतह को अपन पॉलिश कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, इंटरलॉकिंग जो होता है वो कम हो जाता है, और मतलब वो घर्षण बल का मान उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, चिकनी सतह हो जाती है। जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वस्तु आसानी से फिसल जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चली जाती है। तो पॉलिश करके घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। स्नेहकों के द्वारा तेल है, ग्रीस है, ऑयल है, ये हम गाड़ियों में लगाते हैं, जो भी ग्रीस होते हैं या तेल होता है, ये स्नेक कहलाते हैं, लुब्रिकेंट कहलाते हैं, इनका उपयोग हम स्नेक के रूप में करते हैं, और ये क्या करते हैं, घर्षण को कम करते थे, जिसके कारण से पहिया जो होता है या उसमें बेरिंग में जो क्या नाम, उसमें जो बेरिंग होता है उसमें जो छर्रे होते हैं वो क्या होते हैं, कम रगड़ाते हैं, और घर्षण बल का मान उसमें कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बेरिंग के रूप में उपयोग करके भी हम घर्षण कम कर सकते हैं, पहिए में जो गाड़ी के पहिए होते हैं बॉल बेरिंग लगाया जाता है, क्या वो लोटनी घर्षण करते, मतलब लुढ़कते रहते। हमने अभी पढ़ा है कि लोटनी घर्षण का मान कम होता है, जो लुढ़कने वाली वस्तु होती है उसका मान कम हो जाता है, जब भी फिसलने वाली वस्तु की तुलना में। इसलिए बड़ी बड़ी वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं, गाड़ी के थैला गाड़ी में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, और यदि उसी वस्तु को अपन फिसला के ले जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें सर्प भी घर्षण लगता है फिसलने के कारण, उस घर्षण बल का मान अधिक होता है। तो यदि बाल बेरिंग लगा दी या बेरिंग लगा दी तो घर्षण बल का मान कम हो जाता है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को हम आसानी से उसको ले जा सकते हैं। सक्रिय या धारा रेखी आकृति देखकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, जैसे हवाई जहाज की जो आकृति होती है वो धारा रेखी होती है, इस तरह से प्लेन में वो आकृति होती है, ताकि उसमें घर्षण बल का मान क्या होता है, उड़ते समय कम लगता है, और उसमें जो होता है उसको विरोध कम होता है, जिसके कारण से वो आसानी से क्या कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, उसका धारा रेखी आकृति होती है, इसलिए वो आसानी से उसमें घर्षण कम होने के कारण से आसानी से वो उड़ सकता है। अब घर्षण बढ़ाने के उपाय, कम करने के उपाय तो देख लिए, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, पेंट करके, बाल बेरिंग लगाकर या धारा रेखी आकृति देकर, तो हम इसको घर्षण कम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अब बढ़ाना कभी कभी क्या होता है, घर्षण को बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सतह यदि चिकनी ज्यादा हो जाती है तो फिसल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उस घर्षण बल को मान को कभी कभी बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, चिकनी फर्श या तल पर रेत या सूखी मिट्टी डाल देते हैं, बारिश के दिनों में जब ज्यादा पानी गिरता और ज्यादा गीली मिट्टी हो जाती है तो चिकनी हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, रेत या सूखी मिट्टी डाल के वहाँ के घर्षण को हम कम कर सकते हैं। वाहनों के पहिए में खांचे बनाए जाते हैं, देखे होंगे जितने वाहन होते हैं गाड़ी होते हैं पहिए जो रबड़ के बनते हैं, उस खांचे उसके जो टायर होते हैं उस टायर में क्या होते हैं, खांचे होते हैं। क्यों खांचे होते हैं, क्योंकि उस खांचे के कारण से क्या होता है, जब वो पृथ्वी तल पर चलते हैं तो वो घर्षण बल उत्पन्न करते हैं, तो उसके घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। अधिक खांचे नहीं होंगे तो उसकी सतह चिकनी होगी, चिकनी होगी तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, वो रुकेंगे नहीं, तो खांचे देकर भी घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
जूते के तलों, जूते जो देखे होंगे उसमें भी नीचे तलों में खांचे होते हैं, तो ये जो घर्षण बल को बढ़ाने के उपाय है कि खांचे बनाकर टायर में, जूते में, या फिर सूखी मिट्टी डालकर या रेत डालकर यदि गीली जगह पर से चिकनी धुआई कर सकते हैं। मशीनें के पट्टे जो होते हैं, जो बेल्ट होता चलता, यदि ज्यादा तेज चल रहा है, फिसल रहा है, क्या करते हैं उसके ऊपर हम कोई चिपचिपा पदार्थ डाल देते हैं और या गाढ़ा पदार्थ डाल देते हैं, जिससे घर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास घर्षण से लाभ हानि और कम करने के उपाय और उसको बढ़ाने के उपाय है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।